तो क्या हुआ तू मेरा नानी, कहूँ ना कोई बात मैं, फिर ओके। तो कुछ इस टाइप की पेंट ब्रश वाली वीडियो जो है अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम के अंदर काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है एंड काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार आखिर हम इस टाइप की वीडियो को कैसे बना सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट बताया है कि कैसे आप लोग कुछ इस टाइप की सेम वीडियो को बना सकते हो। अगर गाइस आप लोग इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देख लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आप लोग भी कुछ इस टाइप से पेंट ब्रश वाली वीडियो को काफी कम टाइम में एडिट करना सीख जाओगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना। आई नो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी है बट गाइस आपके फायदे के लिए है, तो कंप्लीट जरूर से देखना। तो चलिए हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पे और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाना है अपने फोन की स्क्रीन पे और आपको कोई सा भी एक वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। वीपीएन को इसलिए कनेक्ट करने को बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हम जो एडिटिंग करने वाले हैं वो हम अपने कैपकट एप्लीकेशन के अंदर करने वाले हैं, तो वीपीएन आप लोग जरूर से लगा लेना, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने ना कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी सिंपल से आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो गाइज यहाँ पर आपको फोटोज पे चलना है और यहाँ पर आपको टोटल 5 से 6 फोटोज अपने सेलेक्ट करके ऐड करना होगा। तो यहाँ पर टोटल चलो मेरे पास 5 फोटो ही हैं, तो यहाँ पर मैं 5 फोटो को यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। इस टाइप की एस्थेटिक फोटो, कपल्स फोटो आपको पिंट्रस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। एंड ये सारे फोटोज को भी मैं दे दूंगा आपको अपने टेलीग्राम पर, तो वहां से जाके इन फोटोज को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग फोटो को ऐड करते हो तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर आपको एक रेटियो का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना, करने के बाद 9:16 रेशियो, ठीक है, एंड यहाँ से कर देना डन। डन करने के बाद अब आपको अपने फोटो पे क्लिक कर करके अपने फोटो को फुल स्क्रीन पे मतलब सेट कर देना है, ठीक है। जो हमारा साइज है उसमें फुल अच्छी तरीके से यहाँ पे कुछ स्टेप से सेट कर देना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैं जिस तरीके से यहाँ पर कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पर सेट कर लोगे लास्ट में देखना कैपकट की तरफ से वाटरमार्क दे देता है फालतू में हमें, तो इसको हमें डिलीट कर देना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो इतनी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। अब गाइज हमें क्या करना है कि हमें ऐड करना है अपना ऑडियो। तो ऑडियो किस तरीके से ऐड करना है, इसके लिए गाइज आपको ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करने के बाद गाइज जो मैं यहाँ पर ऑडियो यूज कर रहा हूँ आपको मिल जाएगा सारी चीजें टेलीग्राम पर। तो यहाँ पर मैंने ऑडियो को ऐड कर दिया है। अब गाइज हमें क्या करना है कि ऑडियो में लगाना है हमें बीट, ठीक है, क्योंकि जो हम पेंट ब्रश वाला जो इफेक्ट इसमें डालेंगे तो जैसे जैसे हमारा ऑडियो जैसे जैसे मतलब लिरिक्स चलेगा उस हिसाब से हमारा पेंट ब्रश वाला लिरिक्स जो है मतलब सॉरी वो जो टेम्पलेट रहेगा वो उस तरीके से मूव होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे बीट। तो बीट कैसे लगाना है और कितने सेकंड पे लगाना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले पे चलना है, ठीक है, पहले अपने म्यूजिक वाले लेयर पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बीट्स का ऑप्शन, ठीक है। तो बीट्स पे क्लिक करना और राइट गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है 5 सेकंड पर एक बीट लगाना है, ठीक है। तो और यहाँ पर दूसरा जो बीट है उसको लगाना है आपको राइट 10 सेकंड में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड जो यहाँ पर तीसरा बीट है वो लगाना है आपको राइट 15 सेकंड में, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही बीट लगाना है 5, 10, 15 पे, ठीक है, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 15 सेकंड पे, ठीक है। तो बीट लगाने के बाद डन कर देना। डन करने के बाद गाइज अब आपको फर्स्ट फोटो के लेयर पे क्लिक करना होगा एंड आपको जो फर्स्ट वाला बीट आप लोगों ने जहां पे लगाया यहां पर देख सकते हो छोटा सा येलो कलर का डॉट दिख रहा है, यही वाला है हमारा बीट जो अभी हमने लगाया है, ठीक है। तो फर्स्ट फोटो को यहां पर लेकर आएंगे एंड सेकंड वाला जो फोटो है इसको सेकंड वाला जो बीट है हमारा येलो कलर का यहां पर देख सकते हो इसके पास लाएंगे, ठीक है। एंड जो थर्ड फोटो है थर्ड वाले बीट के पास ले चलते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड जो चौथा फोटो है इसको हम क्या करेंगे जहां तक हमारा म्यूजिक है वहां तक रखेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर 3 बार लिरिक्स चलेगा तो इसलिए हम यहाँ पर चार फोटो का यूज कर रहे हैं और 3 बीट लगाए, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने अपने बीट के हिसाब से अपने फोटो को सेट कर दिया है। अब गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है कि सिंपल से इस बॉक्स वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, ठीक है, और वीपीएन जरूर से लगा लेना तभी आपके सामने ये सारे इफेक्ट शो होंगे आपके सामने, ठीक है। तो वीपीएन लगा लेना। अभी सिंपल से जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ब्लैक प्लस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, देन यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर देना। तो ये आपके सारे फोटोज में ये कुछ इस तरीके से ये वाला यहाँ पर देख सकते हो फेड आ जाएगा, ठीक है।
अब गाइज आपको क्या करना है कि सिंपल से ना यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड फोटो पे क्लिक करने के बाद इधर की तरफ चलना है, यहाँ पर गाइज आपको मिलेगा एक अर्जेस्ट का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अर्जेस्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को एक्सपोजर में आना होगा। एक्सपोजर को क्या करना है, आप लोगों को इसको पूरा बढ़ा देना है 50%। सेचुरेशन पे आना, इसको भी पूरा बढ़ा देना। कॉन्ट्रास्ट पे आना, कॉन्ट्रास्ट को क्या करना है आप लोग पता है, कॉन्ट्रास्ट को आप लोग पूरा बढ़ा देना है, ठीक है। और फिर ब्राइटनेस में आना, इसको पूरा घटा देना, कुछ इस तरीके से ब्लैक कर देना है, ठीक है। अब ये तो हमारा एक ही फोटो में है, लेकिन हमको ये वाला कलर सारे फोटो में चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ से अप्लाई ऑल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे फोटो पे ये वाला अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब गाइज हमें क्या करना है कि सिंपल से इस वाले एरो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, ओवरले पे क्लिक करना, देन यहाँ पर एड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। वीडियो पर आ जाना, और जो अभी हमने पेंट ब्रश को, जैसे पेंट ब्रश वाली रील वीडियो एडिट कर रहे हैं ना, तो पेंट ब्रश वाली यहाँ पर ओवरले को लेकर आएंगे, दोनों फिंगर्स की मदद से पूरे वीडियो में जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, ब्लेंड पे चलेंगे। ब्लेंड पे जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको कर देना इसको लाइटन। लाइटन करने के बाद क्या करना है, इसको डन करना है। डन करने के बाद इसको आगे जाना है कुछ इस तरीके से, और जो फर्स्ट वाला बीट है यहाँ पर आना है, एंड अपने ओवरले वाले लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ से इसको स्प्लिट करना है और इसको यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से देखने को ये देख सकते हो मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सिंपल से अपने ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लास्ट में आना है। तो यहाँ पर लास्ट के इधर तरफ थोड़ा सा जाओगे, कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, तो कॉपी पे क्लिक करना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको भी क्या करना, आप लोग अपने बीट के हिसाब से सेट करना, फिर से कॉपी करना, ये ऑटोमेटिक बीट में सेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर से कॉपी करना, और यहाँ पर जो है इसको वीडियो के एंड तक रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब गाइज आपको क्या करना है कि सिंपल से ना इस वीडियो को सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव पर क्लिक करेंगे, और ये जो वीडियो है ना इसको हम सेव होने देते हैं। जैसे ही सेव हो जाएगा उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो वीडियो है वो सेव हो चुकी है। तो अभी सिंपल से आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है ना, यहाँ पर जो अंडू का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोबारा से ये अंडू हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आपको सारे क्लिप्स को कुछ इस टाइप से अंडू कर देना है। कब तक करना है, जब तक ये वाला जो हमने ब्लैक कलर का यहाँ पर ये किया है ना, ये इफेक्ट डाला है, ये हट ना जाए जो कलर ग्रेड किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो हट चुका है ये, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल सही तरीके से। तो इतना आपको अंडू कर देना है, या फिर बैक भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब गाइज आपको क्या करना है कि सिंपल से एड ओवरले वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है, और अभी आप लोगों ने जिस वीडियो को सेव किया था ना, उस वीडियो को सिंपल से सेलेक्ट करना है, एड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हो वो वीडियो आ चुका है, ये है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम क्या करना, जीरो कर देना है, ठीक है। वॉल्यूम जीरो करना, देन दोनों फिंगर्स की मदद से इसको पकड़ के फुल स्क्रीन पे लगा देना, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको अभी क्या करना है, इधर की तरफ आना है, यहाँ पर आपको कटआउट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो कटआउट पे क्लिक करना, एंड यहाँ पर क्रोमा की का एक ऑप्शन मिलेगा, क्रोमा की पे क्लिक करना, और इस सर्कल को ना थोड़ा सा आपको हिला डुला देना है, एंड इंटेंसिटी पे जाना है, इसको फुल कर देना है। शैडो पे क्लिक करना है, इसको भी फुल कर देना है, ठीक है। तो इसको हम पूरा फुल स्क्रीन में अच्छे से सेट कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से इतना हमारा ये जो ग्रीन स्क्रीन था वो हट चुका है, ठीक है। अब गाइज आपको क्या करना है कि अपने फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है, एंड इसको छोटा करना है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको इस ब्रश, पेंट ब्रश वाला जो इफेक्ट जहाँ पे आ रहा है वहां पे अच्छी तरीके से इनको सेट करना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि हमारा फोटो प्रॉपर तरीके से दिखे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर देख सकते हो जैसा मैं कर रहा हूँ ना गाइस, सेम इसी तरीके से आपको करना है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से कोई भी बना लेगा भाई इस टाइप की वीडियो को, बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने फोटो को सेट कर दिया है, पेंट ब्रश वाला जो यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है इसमें, ठीक है, ये देख सकते हो काफी कमाल का लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब गाइज हमें क्या करना है कि अपना लिरिक ऐड करना है, तो लिरिक को किस तरीके से ऐड करना है, इसके लिए फिर से ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड जो हमारा लिरिक है यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। एंड सारी चीजें गाइज आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके, बिंदास वहां से आप लोग डाउनलोड करना है, ठीक है। पहले वीडियो को कंप्लीट देख लो, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो अभी हम क्या करते हैं, ब्लेंड पे क्लिक करते हैं, एंड इसको कर देंगे यहाँ पे लाइटन, ठीक है, देन डन। थोड़ा सा आगे आते हैं जहाँ पे हमारा लिरिक दिखे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, और इसको पकड़ के ना नीचे की तरफ लाएंगे, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे, ठीक है।
अब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा लिरिक भी यहाँ पर लग चुका है, ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो इस लिरिक का जो साउंड है ना, इसको हम बंद कर देंगे, बिकॉज एक बार हमने लिरिक को शुरू में ही ऐड कर लिया था, ठीक है, तो डबल डबल लिरिक सही नहीं लगेगा ना भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो लिरिक भी बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुका है। ठीक है, अब गाइज आप लोगों ने देखा होगा प्रीव्यू पे कि वो जो बटरफ्लाई वाला एक टेम्पलेट है वो काफी यूनिक लगता है देखने में, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए फिर से ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर अभी आपको क्या करना है कि उस वाले ओवरले को लेकर आना है, ऐड पर क्लिक कर देना है, ठीक है, फुल स्क्रीन पे दोनों फिंगर्स की मदद से कर देना, ब्लेंड पे चलना, ठीक है, लाइटन कर देना, ठीक है, या ये वाला है लाइटन भाई, देख लो अच्छे से, ठीक है, लाइटन करना, देन डन करना, इसका जो वॉल्यूम है इसको भी पूरा जीरो कर देना, देन डन कर देना यहाँ से। और ये ना हमारा 8 सेकंड का है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए जुगाड़ है एक, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, एंड इधर की तरफ आएंगे, फिर से कॉपी करेंगे, और जहां तक हमारा लास्ट वीडियो है वहां तक रखेंगे, बाकी का जो पार्ट बचता है स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही सही तरीके से बन गया है। लेकिन गाइज ये वाला जो हमारा यहाँ पर फोटो आ रहा है ना, इस पे थोड़ा ग्लो इफेक्ट आए ना, तो और भी ज्यादा ऑसम लगेगा। तो ग्लो इफेक्ट डालने के लिए हमें क्या करना है, अब सारी चीजें हो चुकी है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो लेयर हमारा देख सकते हो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज हमें क्या करना है कि सिंपल से यहाँ पर आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इफेक्ट पर क्लिक कर देना, एंड यहाँ पर वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना। ठीक है, वीडियो इफेक्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे भाई, थोड़ा सा वेट कर लेना यार। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, इसलिए थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। ठीक है, अब आपका इंटरनेट अगर फास्ट होगा तो जल्दी आ जाएगा। तो जैसे ही आपके सामने इफेक्ट वाला ऑप्शन आता है, तो सिंपल से लेंस पर क्लिक करना। लेंस पर क्लिक करने के बाद गाइस फिर से यहाँ पे भाई वेट करना पड़ेगा, क्या बताऊँ आज इंटरनेट को। ठीक है, तो लेंस पर आते हो तो यहाँ पर एज ग्लो का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हो एज ग्लो, इस पर क्लिक करना, देन इसको यहाँ से डन कर देना। ठीक है, डन करने के बाद थोड़ा सा आगे आते हैं कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो पे ही रखना। ठीक है, फोटो पे ही सिलेक्ट रखना, देन डन करना, हल्का सा आगे आना, एडजस्ट पे क्लिक करना। अब जितना आप अपने फोटो में ग्लो ऐड करना चाहते हो उतना कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ज्यादा ग्लो ऐड नहीं करूंगा, इतना ही करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, डन करेंगे, इसकी जो लेंथ है गाइज इसको खींच के पूरा वीडियो के एंड तक रख देंगे। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वो कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है। सो अभी मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। आई नो गाइज आपको म्यूजिक सुनाई नहीं देता होगा, बिकॉज यार मैंने माइक कनेक्ट किया हुआ, तो कहाँ से भाई आपको म्यूजिक सुनाई देगा। बाकी अगर आप लोग इस वीडियो को म्यूजिक के साथ देखना चाहते हो, तो वहां पर मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो वहां से जाके आप लोग आराम से इस वीडियो को देख सकते हो। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप की पेंट ब्रश वाली ट्रेंडिंग रील को हम कैसे बना सकते हैं काफी इजी वे में, एंड बहुत ही आसान तरीके में मैंने बताया है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, एंड कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करो भाई, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। ठीक है, अब सिंपल से इस एरो पे क्लिक करेंगे और ये जो वीडियो है ना गाइज हमारी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं किसी ऐसी कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।